नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपने में खुद पर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर या फिर किसी दूसरे जानवर पर हमला करने का क्या मतलब होता है, या फिर दोस्तों आप ऐसा देख रहे हैं कि आप पर ही कोई दूसरा जानवर या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, तो इस सपने का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों, इस सपने का अर्थ जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको हमारे वीडियो से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सपने लगभग सभी व्यक्ति को आते हैं, पर दोस्तों कई व्यक्ति अपने सपने को देखकर बिल्कुल ही भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सपने का मतलब जानने से पहले आपको मैं कुछ सपनों के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सपने बहुत ही अच्छे होते हैं, पर दोस्तों कई लोग बहुत डरावने सपने देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पर दोस्तों, उनसे यह निवेदन है कि वे बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि कई डरावने सपने कई अच्छे सपने भी होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सपने का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में खुद पर हमला होते हुए देखना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करना, किसी जानवर का आप पर हमला होते देखना या फिर उस पर आपका ही हमला करना। तो दोस्तों, इस सपने का अर्थ यह बताता है कि जल्द ही आपकी उम्र लंबी होने वाली है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्वप्न माना गया है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि सपने में किसी दूसरे व्यक्ति का या फिर किसी जानवर पर हमला करना या फिर उसका अपने ऊपर हमला करना, ये दोनों ही सपने बड़े ही एक अच्छे सपने माने गए हैं। दोस्तों, ये सपना ये बताता है कि अगर आप देखते हैं कि कोई जानवर आप पर हमला कर रहा है, या फिर आप किसी जानवर पर या फिर आप किसी व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं या फिर वो आप पर हमला कर रहा है, तो दोस्तों ये सपने बड़े ही अच्छे सपने माने गए हैं। यह सपना ये बताता है कि आने वाले समय में आपका कारोबार जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, साथ ही यह सपना आपकी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा सपना है। अगर आपको ऐसा सपना दिखाई देता है और अगर आपकी नौकरी चली गई है तो जल्द ही आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, साथ ही यह सपना आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को समाप्त करने का संकेत भी देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, यह सपना कोई बीमार व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जो ज़्यादा समय से परेशानियों में है, तो ऐसा सपना देखने के बाद उसकी सारी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाने वाली है। तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सपना एक बहुत ही सफल देने वाला सपना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।